यस बैंक के फाउंडर राणा कपूर की मुश्किलें बढ़ी। केस दर्ज करने के बाद दिल्ली और मुंबई स्थित ठिकानों पर सीबीआई का छापा। परिवार भी शक के घेरे में। भारत में भी हर दिन बढ़ रहे हैं कोरोना वायरस के मामले। सोमवार को केरल और जम्मू कश्मीर से सामने आए नए केस। 3 साल के बच्चे में कोरोना वायरस की हुई पुष्टि। पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री और राज्यपाल हंसराज भारद्वाज के निधन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दुख जताया। कहा, इस मुश्किल घड़ी में परिवार के साथ हूँ। 4 बजे होगा अंतिम संस्कार। सोमवार को भी शेयर बाजार में जारी रहा गिरावट का दौर। सेंसेक्स 11,052.35 अंक गिरकर खुला। हालांकि यस बैंक के शेयरों में दिखी तेजी। नमस्कार, नवजीवन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पवन नौटियाल। यस बैंक के पूर्व सीईओ राणा कपूर की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। सीबीआई ने मुंबई और दिल्ली स्थित कई ठिकानों पर छापेमारी की। यस बैंक संकट के बीच केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई देश भर में कई हिस्सों में छापेमारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक ये छापेमारी यस बैंक के पूर्व सीईओ राणा कपूर के दिल्ली और मुंबई स्थित ठिकानों पर हो रही है। इससे पहले सीबीआई की आर्थिक अपराध शाखा ने 7 मार्च को यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर, डीओआईटी अर्बन वेंचर कंपनी, कपिल वधावन और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के तहत एफआईआर दर्ज की। वहीं ईडी ने राणा कपूर के परिवार के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है, जिसके बाद राणा कपूर की बेटी को मुंबई एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया। बताया जा रहा था कि रोशनी कपूर देश छोड़ने की फिराक में थी। भारत में कोरोना वायरस का मामला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सोमवार को केरल और जम्मू कश्मीर से नए मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। केरल में एक 3 साल के बच्चे में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। बच्चा हाल ही में अपने परिवार के साथ इटली से आया था। फिलहाल बच्चे और उसके परिवार को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। इससे पहले केरल में कोरोना संक्रमण के 5 नए मामले सामने आए थे। जम्मू कश्मीर में भी कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया है। 63 साल की महिला में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। महिला उन 2 यात्रियों में थी जो हाल ही में ईरान से लौटी थी। जांच के दौरान दोनों में ही वायरस का अधिक स्तर पाया गया था। अधिकारियों के मुताबिक महिला का सरकारी मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में इलाज चल रहा है और हालत अभी स्थिर है। पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री और राज्यपाल हंसराज भारद्वाज के निधन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दुख जताया है। पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री और कर्नाटक के पूर्व राज्यपाल हंसराज भारद्वाज को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने श्रद्धांजलि दी है। राहुल गांधी ने कहा है कि मुझे ये सुनकर दुख पहुंचा है कि हंसराज भारद्वाज हमारे बीच नहीं रहे हैं। मैं इस मुश्किल घड़ी में उनके परिवार के साथ खड़ा हूं। आपको बता दें, रविवार को हंसराज भारद्वाज का 82 साल की उम्र में निधन हो गया था। वो यूपीए के कार्यकाल में कानून मंत्री के पद पर सबसे लंबा समय बिताने वाले पहले मंत्री थे। उधर शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी है। सोमवार को भी भारी गिरावट देखी गई। बताया जा रहा है कि सोमवार को भी शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 11,052.35 अंक गिरकर खुला। सेंसेक्स करीब 3.7% नीचे रहा। बाजार 36,424.27 अंकों पर पहुंच गया। एक समय में सेंसेक्स में 1600 अंक से ज्यादा तक की गिरावट देखी गई। हालांकि इस दौरान यस बैंक के शेयर में तेजी देखने को मिली। बैंक के शेयर 19.14% ऊपर चढ़कर 19.30 रुपए पर कारोबार कर रहे हैं। इसी तरह निफ्टी 326.50 अंक नीचे गिरकर 10,662.95 अंक पर पहुंच गया। निफ्टी में ओएनजीसी, वेदांता, रिलायंस, इंडस्ट्रियल बैंक के शेयरों में गिरावट देखी गई, जबकि यस बैंक, बीपीसीएल, एशियन पेंट्स, आईओसी के शेयरों में बढ़त देखने को मिली।